दोस्तों क्या आपने भी 2023 में नया YouTube चैनल क्रिएट किया? दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना है दोस्तों, कि मेरा चैनल जल्दी ही ग्रो हो जाए दोस्तों, मैं ही YouTube से अच्छे खासे पैसे अर्निंग करूं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने भी नया चैनल क्रिएट किया दोस्तों, अब आगे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम फिक्स कर लेना है दोस्तों कि मुझे 30 दिन में कम से कम 20 वीडियो देने हैं दोस्तों, 20 वीडियो अपलोड करने हैं दोस्तों। तो आप लोगों को एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे सुबह के इस टाइम पे शाम के इस टाइम पे एक वीडियो अपलोड करना है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों कि YouTube का जो एल्गोरिथम है दोस्तों, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा अपने चैनल पर एक्टिव रहते हैं दोस्तों, और इस टाइम पर इसकी वीडियो आ जाती है दोस्तों। तो वह क्या करेगा दोस्तों, उस टाइम पे आपके चैनल को चेकआउट करेगा दोस्तों, आपके वीडियो का जो भी सजेशन रहेगा दोस्तों, आपका वीडियो का जो भी टॉपिक रहे दोस्तों, अगर उससे भी कोई रिलेटेड कोई पर्सन आपके वीडियो को सर्च कर रहा है दोस्तों, तो आपके वीडियो को उसके पास रिकमेंड करना चालू कर देंगे दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा बात है दोस्तों कंसिस्टेंसी। दोस्तों अगर आप नए नए हो दोस्तों, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के काम करना है दोस्तों, आपको रेगुलर अपने वीडियोस पर चैनल पर वीडियो अपलोड करने हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों कि कुछ मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को कुछ है बातें हैं जिससे आप लोगों को फॉलो करना है दोस्तों। पहली बात होता है दोस्तों मिस्टेक क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों दूसरों को वीडियो कॉपी करना है दोस्तों नए यूट्यूबर क्या करते हैं दोस्तों, जब उसके पास कोई टॉपिक नहीं होते हैं तब क्या करते हैं दोस्तों, दूसरों के वीडियो को चुरा के अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं दोस्तों। उसको लगता है कि यहां से कुछ सब्सक्राइबर कुछ व्यूज मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके जब वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं दोस्तों, तो उसका चैनल पर गलत एक्टिविटी पड़ता है दोस्तों, जिसके वजह से उसके वीडियो का इंप्रेशन एकदम डाउन हो जाता है दोस्तों, और उसका चैनल ग्रो नहीं होता, बिल्कुल डेड हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद कुछ है दोस्तों, उसके बाद है आप लोगों को पैशन दोस्तों, पैशन रखना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। नए यूट्यूबर क्या करते हैं दोस्तों, पैशन रख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वह कुछ ही दिनों में अपने चैनल को क्विट कर देते हैं दोस्तों, और काम करना छोड़ देते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होते दोस्तों, तो आपके वीडियो में व्यूज कहां आएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोगों को एक प्रॉपर SEO करना आना चाहिए दोस्तों। प्रॉपर SEO में क्या आता है दोस्तों, एक अट्रैक्टिव थंबनेल, उसके बाद आता है आपका वीडियो का टाइटल, उसके बाद आता है एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैक्स दोस्तों, ये होता है प्रॉपर SEO दोस्तों। अगर आप इसे नहीं करना होता दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, और बच कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों सबसे मुश्किल काम जो होता है दोस्तों, वह है अपने वीडियो पे व्यूज लाना दोस्तों। दोस्तों आप अपने वीडियो पर व्यूज कैसे ला सकते हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को एट्रैक्टिव उसके बारे में वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो उसका मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि होता है कि जब आपके पास सब्सक्राइबर नहीं आते हैं दोस्तों, व्यूज नहीं आते हैं, तब आप क्या करते हैं दोस्तों, अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेशनशिप के पास, अपने फेसबुक प्रोफाइल में, अपने मैसेंजर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप बहुत सारे ऐसे चैनल पर अपने वीडियो को शेयर कर देते हैं दोस्तों, आपको वहां से कुछ तो व्यूज आ जाते हैं दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपका जो सब्सक्राइबर होता है दोस्तों, वो जेन्युइन नहीं होता है, वो एक्टिव नहीं होता है दोस्तों, वो आपके वीडियो को बिल्कुल ना के बराबर वॉच करते हैं दोस्तों। आप बोलेंगे कैसे दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मान लीजिए कि टॉय टेक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, और आप ऐसे फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिए दोस्तों जिसे गेमिंग पसंद है दोस्तों, तो अब क्या करेगा दोस्तों, आपके वीडियो को कुछ मात्र सेकंड देखेंगे दोस्तों, और आपके वीडियो को क्विट कर जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके वीडियो पर गलत एक्टिविटी पड़ेंगे, वो कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए कि आप लोग कोई भी वीडियो को रिकमेंड किया दोस्तों, अगर वो आपके वीडियो पर कुछ सेकंड देख रहे हैं दोस्तों, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना दोस्तों, उसको पता लग जाता है कि आपके वीडियोस में कोई ऐसा कंटेंट है ही नहीं, आपके वीडियो में कोई ऐसा दम है ही नहीं, जिसके वजह से ऑडियंस आपके वीडियो पे तो क्लिक किया, लेकिन आपके वीडियो को कुछ सेकंड देखा दोस्तों, और आधा अधूरा देखकर छोड़ गया दोस्तों। इसमें क्या करता है यूट्यूब, आपके वीडियो का जो इम्प्रेशन है दोस्तों, वो देना ही बंद कर देता है, वो दूसरों के पास रिकमेंड ही करना छोड़ देता है, जिसके वजह से आपका वीडियो का जो रीच है वो एकदम से डाउन हो जाता है, और आपका चैनल भी डेड हो सकता है दोस्तों। तो आपके वो ये मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को करना क्या दोस्तों, आपको हर डे अपने वीडियो में कुछ इंप्रूव लाना है दोस्तों। आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों, वो काफी अच्छी बनानी है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत सारी कंपटीशन चल रहा है दोस्तों, और आप यहाँ पे काम करना यहाँ से मुश्किल हो सकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों वॉइस क्वालिटी, दोस्तों आपकी जो वॉइस है दोस्तों, वो अच्छी क्वालिटी में आनी चाहिए दोस्तों, आपकी आवाज एकदम क्लियर आनी चाहिए दोस्तों। आप ऐसे घर में चाहे ऐसे रूम में
वॉइस रिकॉर्ड करें दोस्तों, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करें दोस्तों, आपको कोई परेशानी ना करे, जहां आपको एक अच्छी आवाज मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों जिन्होंने मैं आपको बताया दोस्तों को आपको स्टार्टिंग में क्या करना है दोस्तों और क्या नहीं करना है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को अगर दीजिए लाइक दोस्तों, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, वंदे मातरम।